रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ई टिकटिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए रैकेट का लिंक पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुबई से है। इसी मामले में आरपीएफ ने झारखंड के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर गुलाम मुस्तफा को भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया था। शख्स से जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार ने बताया कि मुस्तफा के पास 563 व्यक्तिगत आईआरटीसी की आईडी, 2400 एसबीआई और 600 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के खाते मिले हैं। पिछले 10 दिनों से आईबी स्पेशल ब्यूरो, ईडी, एनआईए और कर्नाटक पुलिस मुस्तफा से पूछताछ कर रही है और इस मामले में आरपीएफ डीजी अरुण कुमार ने इसके पीछे टेरर फंडिंग का शक जताया है। आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार ने बताया कि हम ई टिकटिंग रैकेट के खिलाफ कार्यवाही में एक कदम और आगे बढ़े हैं। हमने एक रैकेट का पता लगाया है। उन्होंने आगे कहा कि इसका किंग पिन दुबई में बैठा है। हम गिरोह के सदस्यों की जाँच कर रहे हैं कि किस तरह से बैंकों और कुछ कंपनियों के पास पैसा जा रहा है। आपको बता दें कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा अवैध ई टिकटिंग रैकेट को लेकर ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। अरुण कुमार ने हामिद अशरफ को ई टिकटिंग रैकेट का मास्टरमाइंड बताया है। माना जा रहा है कि अशरफ हर महीने 10 से 15 करोड़ रुपए इकट्ठा करता था। अशरफ 2019 में गोंडा के एक स्कूल में हुए बम विस्फोट में शामिल था और अब उसके दुबई भाग जाने का संदेह है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।